हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन सी एफ एंड पी आई, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी तक हमने इससे पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो ये 5th क्वेश्चन है बेस्ड ऑन। अब देखिए पी आई के लिए केस क्या लग रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ये फोर्थ आपका केस हो गया, तो थर्ड और फोर्थ केस कंबाइंड केस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई टू पावर कॉस एक्स। तो इसको आप करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट गिवन इक्वेशन। पहले तो गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, दिस इज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आई कैन राइट डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इन टू वाई इक्वल्स टू दैट इज एक्स प्लस ई टू पावर एक्स cos x, right? Where d is d by dx, okay? इसका क्या है y double dash, मतलब d square y by dx square, so its auxiliary equation लिख लेंगे। its auxiliary equation is d square minus 2d plus 2 इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने बताया आपके पास में कैलसी, आप लोग तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब हमारे पास नहीं है तो हम लोग कैसे चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग 10th क्लास में रूट्स निकालते थे। d इक्वल टू तो माइनस ऑफ b दैट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, इसका स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, तो 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो a की वैल्यू है 1, सो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस माइनस आई 2, या फिर 2 आई भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, विच आई कैन राइट इट एज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 2 से डिवाइड और ये कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू 1 प्लस माइनस आई, ठीक है। तो ये आपके पास में कैसे आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 है। सो देयरफॉर सीएफ क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर सीएफ इक्वल्स टू दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन कॉस एक्स बीटा एक्स होता था प्लस सी टू साइन बीटा एक्स होता था, बीटा की वैल्यू 1 है, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स इन टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो दैट इज सिंपली एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सीएफ। तो अब चलेंगे हम लोग पीआई पर, तो पीआई के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स पीआई क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 बाय एफ डी दैट इज डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इन टू योर राइट साइड, तो राइट साइड क्या, एक्स प्लस ई टू पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, ये जाएगा केस थर्ड में, ये जाएगा केस फोर में, तो दोनों को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इन टू एक्स, राइट, हो गया इसका प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इंटू ई टू पावर एक्स कॉस एक्स। तो जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो हमने क्या बताया था, तो d की जो सबसे कम पावर, d की जो लीस्ट पावर है उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो d की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, 2 इंटू डी टू पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन, यहाँ से 2 आपने बाहर लिया, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट इट एज, यहाँ से बचा 1, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी बाई 2, ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसके नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल सेम चीज, तो ये मैंने ऐसे लिखा, राइट, इन टू एक्स प्लस, इस पर चलेंगे तो इस पर चलेंगे ई टू पावर ए एक्स इन टू वी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको डी को क्या करोगे, डी को रिप्लेस करोगे एज डी प्लस ए, तो ये मैंने ऑपरेट कराया e टू पावर x इन टू, कैसे हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इन टू डी प्लस 1 और प्लस 2 इन टू ई टू पावर x लिख लिया हमने, दैट इज cos x, ठीक है। ये ऑपरेट हो गया, ये हमने लेफ्ट साइड लिख लिया, जो ऑपरेट हो जाता है उसको लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी नथिंग बट 1 बाई 2, इसको आप ऊपर ले आइए, दैट इज 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी बाई 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस
ई टू पावर एक्स वन अपॉन, इसको ओपन करेंगे, दिस इज डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ से माइनस टू डी और माइनस टू, राइट, और ये प्लस टू, माइनस टू डी माइनस टू और ये प्लस टू इन टू कॉस एक्स, तो ये आपका टू से टू कैंसिल, ये टू डी से आपका टू डी कैंसिल, ठीक है, यहाँ पहुँचे, दिस इज नथिंग बट वन बाई टू, इसको ओपन कर लीजिए, वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, तो विद ऑल्टरनेट साइन ये ओपन हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू वन माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी बाई टू, पहला वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर माइनस टू डी बाई टू इसका स्क्वायर और माइनस सो ऑन इन टू एक्स, देखो चाहो तो यहाँ तक लिख सकते थे, वो इसलिए क्योंकि ये पावर एक्स की पावर कितनी है, एक है, तो सिर्फ एक तक ही ओपन होगा, हायर डिग्री जाएगी जैसे ही वैसे ही जीरो होने लगेगा, तो आप चाहते तो यहीं तक लिख सकते थे, ठीक है, टाइम कम हो तो यहीं तक लिखना, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, ठीक, इसके बाद प्लस e टू पावर x इंटू वन अपॉन, ये कितना आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस वन, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, राइट, तो यहां चलेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू वन बाय टू, तो अब क्या करेंगे, अब इसको ऑपरेट कराएंगे टर्म बाय टर्म, तो x इंटू वन दैट इज x, ये माइनस वन बाय टू, ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूं, अब इसको ऐसे करली ब्रैकेट लगा लिया, डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव किसका, x का, तो ये हो गया जीरो, माइनस टू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज वन, ये मैंने वन बाय टू बाहर कर लिया था, प्लस ये तो हायर डिग्री है सब, तो जीरो चले जाएंगे, ठीक है, ये जीरो हो गया सब पूरा, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस e टू पावर x, अब देखिए कॉस का फंक्शन है, मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एज माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कोफिशियंट का विद माइनस साइन, तो इसका स्क्वायर करेंगे वन आएगा, माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, केस हो गया फेल, जब केस फेल हो गया, मैंने बताया था ओरली करते जाएंगे अब हम लोग, ठीक है, तो यहाँ केस फेल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और क्या करेंगे, नीचे नीचे करेंगे इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो आ गया टू डी इंटू कॉस एक्स, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप वन बाय टू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, टू से टू कैंसिल, तो आ गया प्लस वन, ठीक है, इतना आएगा, आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स ई टू पावर एक्स बाय टू, एक्स ई टू पावर एक्स बाय टू, और वन बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का क्या, तो साइन, तो ये आ गया साइन एक्स, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पी आई, अब क्या करेंगे हम लोग, अब अपने दोनों को कंबाइंड करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने अभी पी आई निकाला अपना, अब पी आई निकालने के बाद में काम क्या, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, सो दिस इज, दिस वाज माय सी एफ, और ये मेरा पी आई था जो मैंने निकाला था, अब ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हैं आप, इसमें से वन बाय टू कॉमन ले सकते हैं, और नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है, तो आप इसी को बोल सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।